अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की इस वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है कैटलिस्ट यूज़ एज अ कैटलिस्ट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। सो हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड इज़ यूज फॉर द मैनुफैक्चरिंग ऑफ मिथाइल अल्कोहल। अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड इज़ यूज फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। हम जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के मिक्सचर को लेते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं मिथाइल अल्कोहल की मैनुफैक्चरिंग में, मिथाइल अल्कोहल को बनाने के लिए। निकल, प्लेटियम एंड प्लेडियम आर द कैटलिस्ट। निकल, प्लेटियम और प्लेडियम कैटलिस्ट होते हैं फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जिन्हें हम वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन के लिए यूज़ करते हैं। एंड सैचुरेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स टू अल्केन्स, और जो अल्केन्स होती हैं, अल्कीन्स और अल्काइन्स की हम सैचुरेशन करवाते हैं अल्केन्स में। मैंगनीज ऑक्साइड कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। मैंगनीज ऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट के तौर पर, किस लिए? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन करने के लिए। TiCl4 is used as the catalyst for the manufacturers of plastic. जो TiCl4 है उसको हम use करते हैं as a catalyst, किस लिए? प्लास्टिक की manufacturing में। V2O5 vanadium pentoxide is used to oxidize SO2 to SO3 in the manufacture of H2SO4. जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है उसे हम यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइज करने के लिए SO2 को SO3 में, किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए? H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके बाद आयरन इज़ यूज एज अ कैटलिस्ट फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन इन हेबर्स प्रोसेस। जो आयरन है उसे हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट के तौर पर इन हेबर प्रोसेस में, जिसमें हमने बेसिकली अमोनिया की प्रोडक्शन करनी होती है, तो उसमें हम आयरन को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। अबाउट 1% ऑफ Na2O और K2O इज एंड अबाउट 1% ऑफ SiO2 एंड Al2O3 आर एड एज प्रोमोटर्स। तो 1% Na2O और K2O को हम डालते हैं और 1% ही SiO2 और Al2O3 को हम एज अ प्रोमोटर ऐड कर देते हैं। MO इज ऑल्सो समटाइम्स यूज एज अ प्रोमोटर, और मॉलिब्डेनम को हम समटाइम्स एज अ प्रोमोटर यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, लेट्स स्टडी। व्हेन व्हाइट लाइट इज़ अलाउड टू फॉल ऑन अ कॉम्प्लेक्स, जब एक व्हाइट लाइट को हम अलाउ करते हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स पे फॉल करे, द फॉलोइंग थिंग्स मे अकर, तो ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। लेट अस स्टडी व्हाट हैपेंड। द कॉम्प्लेक्स मे अब्सॉर्ब द होल ऑफ व्हाइट लाइट, ये भी हो सकता है कि वो कॉम्प्लेक्स जो है वो सारी व्हाइट लाइट को अब्सॉर्ब कर ले। इन दिस केस कॉम्प्लेक्स अपीयर्स ब्लैक, तो जब वो सारी व्हाइट लाइट को अब्सॉर्ब कर लेगा तो उसकी कलरेंस क्या आ जाएगी? ब्लैक, वो ब्लैक अपीयर होगा। उसके बाद है द कॉम्प्लेक्स में रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट द होल लाइट, ये भी हो सकता है कि वो या तो रिफ्लेक्ट कर दे या फिर ट्रांसमिट कर दे उस पूरी होल लाइट को। इन दिस केस, इस केस में इट अपीयर्स वाइट, तो फिर वो वाइट अपीयर होगा। द कॉम्प्लेक्स में एब्जॉर्ब सम ऑफ इट, ये भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स उसमें से कुछ एब्जॉर्ब कर ले एंड मे रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट द रिमेनिंग लाइट, और बाकी बची कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे या फिर ट्रांसमिट कर दे। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पर ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। जो कलर होता है ना ट्रांजिशन मेटल आयंस का, वो किस लिए होता है? प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स की वजह से, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। उसके बाद मैकेनिज्म अब हम पढ़ लेते हैं। व्हेन लाइट इज़ अलाउड टू फॉल ऑन अ सब्सटेंस, जब एक सब्सटेंस पर लाइट अलाउ करते हैं कि फॉल करे, इट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम इट द लाइट ऑफ पर्टिकुलर कलर, तो वो इसमें से पर्टिकुलर कलर की लाइट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। हुज वेवलेंथ इज इन द विजिबल रीजन, जिसकी वेवलेंथ जो है वो विजिबल रीजन में होती है, डेट इज़ 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम एंड रिफ्लेक्ट द रिमेनिंग लाइट विच हैज़ द टेंडेंसी टू डैट ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। तो इस तरह से होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।